अनुसूचित क्षेत्र है, एक तरह की एक अलग यूनिटी है वो। उसकी किसी भी सरकारी भर्ती निकलती है तो कई भर्तियों में अलग से विज्ञप्ति जारी होती है। उन भर्तियों में आरक्षण व्यवस्था, अभी जो जोर शोर से सभी तरफ से आरक्षण की बात हो रही थी, मैं इस पे कहना चाह रहा हूँ कि जो आरक्षण व्यवस्था जो राजस्थान में पांचवी अनुसूची है, ये पांचवी अनुसूची 1935 के अधिनियम में पांचवी अनुसूची का प्रावधान था और हमारा संविधान लागू हुआ उस समय HTS वही पांचवी अनुसूची दी गई। आरक्षण मतलब प्रतिनिधित्व का अधिकार। आज उस इलाके में राज्यपाल की जो अधिसूचना है 2013 की अधिसूचना है और 2016 की अधिसूचना है, इसमें यह प्रावधान किया गया है कि 45% ST, 5% SC और 50% अनारक्षित वर्ग सभी वर्ग से भरी जाएगी। लेकिन दोनों सरकारों ने, अगर पिछली बार की बात करें, एक उदाहरण पेश करना चाहता हूं मैं आपके सामने, 2017 की पुलिस भर्ती हुई, उस भर्ती में एक भी अभ्यर्थी न तो ST के लिए न SC के लिए, सामान्य वर्ग की जो सामान्य अनारक्षित सीटें, उसमें एक भी अभ्यर्थी नहीं लिया गया। ये कहीं न कहीं जो राज्यपाल की अधिसूचना है उसके खिलाफ, उसके अनदेखी की गई, मतलब पूरे आदिवासी समाज के साथ अन्याय हुआ है। अध्यापक भर्ती उसमें 1166 सीटें खाली पड़ी हुई है और ये 50% जो है वो ये कह रहे हैं कि जो 60% है वही जा सकते हैं। तो कहीं न कहीं आदिवासियों के साथ, उस क्षेत्र के साथ अन्याय हो रहा है और आज आने वाले समय में सभी युवा वर्ग महसूस कर रहा है कि ठगा जा रहा है हम लोगों को, और वो किसी के साथ नहीं है। मैं आपके माध्यम से सदन को बता देना चाहता हूँ, वो सच्चाई के साथ है, वो मुद्दों के साथ है। कोई ये नहीं समझे कि वहां का क्षेत्र लोग हमारे साथ हैं, कोई ये नहीं समझे कि वो लोग हमारे साथ हैं। वो समझ चुके हैं कि सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, मुद्दे क्या है। तो सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से अपील करना चाहूंगा कि जो 1166 बच्चे जो दर दर भटक रहे हैं उनको नियुक्ति दी जाए।